नमस्ते। हमने तीन पार्ट हम प्लैनेट्स के बारे में बना चुके हैं, तो अब हम फोर्थ ये पार्ट बनाने जा रहे हैं। हमने मरकरी तक सन, मून, मार्स और मरकरी तक जान लिया था। आज हम जुपिटर के बारे में आगे जानेंगे कि जुपिटर क्या है। जुपिटर को एक शब्द में अगर हम बोले तो उसको हम बोल सकते हैं सुख। सुख शब्द से हम जुपिटर का बता सकते हैं कि हम चार्ट में से, कुंडली में से जुपिटर से क्या क्या देख सकते हैं। तो एक तो जुपिटर है वो ब्राह्मण वर्ण का है, मेल प्लैनेट्स है। और जो जुपिटर है वो अपना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो नॉलेज, ज्ञान हम जुपिटर से देख सकते हैं। उसकी दिशा ईशान कोण है, जो सबसे पवित्र दिशा जो होती है वो ईशान दिशा है उसकी। तो जुपिटर को एक वर्ड में, जैसे मैंने बोला सुख, तो किसी भी प्रकार का सुख देखना हो, कुटुंब का सुख, घर का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, पत्नी का सुख, संतान का सुख, वो सारा हम देख सकते हैं जुपिटर कैसा है। तभी तो आपको पता होगा कि जो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं वो फटाक से बोल देते हैं कि भाई जुपिटर की रेमेडीज करो, आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। पोखराज भी बिना डरे लोग पहना देते हैं, टोपाज भी बिना डरे लोग पहना सकते हैं, क्योंकि जुपिटर होता है वो बहुत ही अच्छा एक नॉलेज है। जुपिटर जो है वो सुख तो देता है, मगर वो सुख देता है जो शांति के साथ देता है। वीनस भी सुख तो देता ही है। तो संपत्ति, संतति और शांति का कारक, अगर इन शॉर्ट हम बोले तो वो जुपिटर है। उसके बाद में आता है वीनस। वीनस है, उसको हम ब्राह्मण वर्ण में ही लेते हैं, बस वो है फीमेल। और उसकी जो अपना दिशा है वो अग्नि कोण है। अग्नि कोण इसलिए है कि एक तो पूरी दुनिया की जो स्त्री होती है वो सारी हम वीनस से देखते हैं, और अग्नि कोण है वहाँ ही एक स्त्री को ही वहीं पे खाना बनाना होता है, एक लेडी ही वहीं पे खाना बनाती है, इसीलिए शायद इसकी दिशा अग्नि दिशा हमने मानी हुई है। तो वीनस होता है, उसको अगर एक वर्ड में हम बोले तो वो है कंफर्ट, कामना, वो सुख कि आज मेरे पास स्कूटर है तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी चाहिए। आज मेरे पास घर है, छोटा घर है, तो मुझे उससे भी बड़ा घर चाहिए। तो जहाँ पे अंत नहीं है कामनाओं का, इच्छाओं का, जहाँ पे संतुष्टि नहीं है वहाँ पे वीनस वर्क करेगा। वीनस के बिना आपको नेम और फेम नहीं मिल सकता। वीनस जो है वो खूबसूरती है, जहाँ पे भी ब्यूटीफुलनेस है, जितनी भी दुनिया में खूबसूरती है वो सब आप बोल सकते हो कि वो वीनस के प्रीव्यू में आती है। आज जो आज का युग है वो भी पूरा देख सकते हैं कि वीनस वाला युग ही है। तो उससे हम सुख भी देखते हैं, उसमें पुरुष के लिए देख सकते हैं कि उसकी लाइफ में स्त्री का कितना रोल होगा, स्त्री का उसकी लाइफ में क्या हाथ रहेगा उसकी सक्सेस के पीछे। एक स्त्री के लिए एक हीरो हीरोइन को देखे तो उसमें भी वीनस का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हाई हाई क्लास लाइफ जो होती है वो हम वीनस से करते हैं, मगर वीनस जो वीनस की हम बात करते हैं तो वीनस में संतुष्टि नहीं है। वीनस भी सुख है, जुपिटर भी सुख है, मगर जुपिटर है वो शांति के साथ वाला सुख है, और जो वीनस है उसमें शांति नहीं है। हो सकता है हम सुखी हो, हम खुश हो, हमारे पास करोड़ों रुपये है, मगर क्या हमें शांति है वो हम नहीं बता सकते वीनस से। मगर वीनस के बिना नाम कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पैसे भी अगर चाहिए तो हमें वीनस की पोजीशन चार्ट में देखनी चाहिए। उसके बाद आता है और सैटर्न। सैटर्न जो ग्रह है उसकी दिशा पश्चिम है, वो नपुंसक है, और जो सैटर्न है वो शूद्र वर्ण का ग्रह है। सैटर्न से ही सीधा सीधा हम बोल सकते हैं दुख, शोक, जिंदगी में जितने भी प्रकार के दुख आएंगे जो भी फील्ड के होंगे, जैसे हमें माता का सुख ना मिलना, पिता का सुख ना मिलना, पत्नी का सुख ना मिलना, संतान का सुख ना मिलना, मतलब हम सुखी ना होके अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वो होता है सैटर्न। तभी तो सैटर्न की आज इतनी पूजा करी जाती है। हर सैटरडे आप देखो शनि देव के मंदिर पे कितनी भीड़ होती है। वो हमारे घर के नौकर चाकर होते हैं, हमें नौकरों का कितना सुख मिलेगा वो भी हम शनि से देखते हैं। तो ये था मेरा प्लैनेट के बारे में कि किस प्लैनेट से क्या देखते हैं। आगे ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और आगे हम आगे उसके बाद जानेंगे राशियों के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।